कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें बिना आपके समय लियो। तो आज जानेंगे कि जो आपका सालों पहले या कुछ दिन पहले गलती से कोई फ़ोटो डिलीट हो गया है तो उसे रिकवर कैसे करें, मतलब अपने गैलरी में फिर से कैसे लाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो ओपन करना होगा। ओप्पो A3S है ये मोबाइल, और आप ओप्पो के या रियलमी के कोई भी मोबाइल में आप फ़ोटो रिकवर कर सकते हैं बिना किसी झंझट के इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपके पास ओप्पो या रियलमी का मोबाइल है तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो स्किप कर दें। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोटो के जो गैलरी का ऑप्शन, मतलब अपने मोबाइल का जो गैलरी होता है उसमें चले जाए। तो मैं फटाफट से चल जाता हूँ अपने गैलरी में। तो गैलरी में देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो वाला ऑप्शन आ चुका है, इसमें आप क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद बता देता हूँ कि रिकवर कैसे करना है। तो रिकवर करने के लिए पहले आप डिलीट करके एक बता देता हूँ। मान लीजिए ये फ़ोटो डिलीट करना है हमको, फर्स्ट वाला जो फ़ोटो है इसको डिलीट कर देते हैं। देख लीजिए आपके सामने ही डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट कर दिए, ठीक है। सॉरी, डिलीट करने के बाद डिलीट हो गया। तो अब आपको आना है इधर जो साइड में कॉर्नर पे एल्बम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एल्बम में। तो एल्बम में आने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्वाइप ऑफ करना है, स्वाइप ऑफ। और स्वाइप ऑफ करने के बाद जो ये डिलीट रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो फ़ोटो मैंने डिलीट किया था ये वाला, वो फ़ोटो आ चुका है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।